आज के इस एपिसोड की शुरुआत हम एक कविता के साथ करेंगे। हाँ, उसको बुला रहे। हाँ, कविता कविता। हाँ, माफ कीजिए, मेरा राइट हैंड अभी बात नहीं कर सकता, बिजी है। नमस्कार, मेरा नाम है सिंगर मैन, मेरे कविता का नहीं है कोई फैन, दिल से करता हूँ मैं सभी का स्वागत, कर दो सब्सक्राइब वरना कर दूँ बगावत। दिन भर खेल के सब रहते हैं भंड, फिर हार के बोलते हैं मोबाइल ले झंड, बकचोदी है मेरी लेजेंडरी, चलो करता शुरू मेरी कॉमेंटरी। धन्यवाद। मैच शुरू हो चुका है, 3 मिनट होने से पहले ही नीले मंडली वाले 3 पॉइंट से आगे हैं। लगता है लाल मंडली वालों ने महिला शक्ति केंद्र खोल के रखा है, क्योंकि उनके मंडली में बहुत सारी महिला भरी पड़ी है। दोनों मंडली की हसीनाएं आलिस एक दूसरे की चूसने में लगी हुई है, लेकिन पीछे से नीले मंडल के जॉनसन आए और लाल मंडल के आलिस की हत्या कर दी। आगे बढ़ते हुए उन्होंने पाना फेंका और इसी के साथ लाल मंडल के जॉनसन की भी हत्या हो गई। आलिस जैसी हसीनाओं को देखकर हमें एक शेर याद आ गया। गौर फरमाइए, दूर से देखा तो लग रही थी चांद, अरे दूर से देखा तो लग रही थी चांद, पास गया तो बस देखता रहा उसकी कांड। आदाब आदाब। यहाँ पे जॉनसन और चाओ रामदेव बाबा के प्रवचन सुनते सुनते ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ऊपर मॉस्को की लगी पड़ी है, हिजड़ा उनको मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मॉस्को अपनी जी जान से मेहनत करके बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उन्होंने देर कर दी और मॉस्को की हत्या हो गई। मॉस्को को बवासीर हो गया था और जॉनसन और चाओ उनके लिए बाबा जी की बूटियां लेकर आ रहे थे। नीचे की गली में वेक्सन और एलिस लाल मंडली की अंताक्षरी खेल रही थी और उन्होंने नीले मंडली वालों को नजरअंदाज कर दिया और वो जान कहा बैठी। हिजड़ा भी उनकी गांड बचा ना सका और वो भागने की कोशिश कर, लेकिन बीच में रुक गया और शवासन कर रहे थे शायद, और मॉस्को ने उनकी हत्या कर दी। बीच के जंगलों में बहुत बड़ा कांड हो रहा है, दोनों एलिस एक दूसरे की खून के प्यासे हो चुके, लेकिन अफसोस नीले मंडली के जॉनसन आए और लाल मंडली के एलिस के डिक्की में बम्पर ठोक दी। लाल मंडली वाले अपने क्षेत्र में वापस हट चुके हैं और लैंस लेन क्लियर करने की कोशिश कर रहे, और ये मॉस्को कॉम्प्लेन पीकर उत्तेजित हो गए और लैंस को मारने की कोशिश कर रहे, लेकिन अफसोस लैंस पीछे हटते हुए त्रिमूर्ति का त्रिशूल मारते हुए मॉस्को की हत्या कर दी। लगता है लैंस माँ का दूध पी के आया है, क्योंकि कॉम्प्लेन हो या बॉर्नविटा, माँ का दूध ही आपको शक्ति देता। दोस्तों, सब्जी मंडी बंद होने वाली है और दोनों मंडलियां बैंगन की आखिरी टोकरी के लिए लड़े जैसे लड़ रहे हैं, और इसमें लाल मंडली ज्यादा सफल दिखते हुए नजर आ रही है। जॉनसन ऑलमोस्ट मरने को आए और इसी के साथ अंजलि देवी ने जॉनसन की हत्या कर दी। लगता है लैंस के माँ के दूध का असर खत्म होने को आया है और लैंस वापस दौड़ के अपनी अम्मा के पल्लू की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अफसोस आलिस उन्हें जाने नहीं दी और उनकी हत्या कर दी। तो मैं निकला गड्डी लेके रास्ते पर, एक मोड़ आया मैं वेक्साना को ठोक आया। और इसके साथ दोनों मंडलियों के बीच घमासान युद्ध चालू हो गया नीचे वाली गली में, और वेक्साना की कठपुतलियां दोनों ओर नंगा नाच कर रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अंजलि देवी लैंस के माँ के दूध की कमी पूरी करती हुई नजर आ रही है, और लाल मंडली वाले बहुत ही करारा जवाब दे रहे नीले मंडली वालों। नीले मंडली वाले बिखरते हुए नजर आ रहे और मॉस्को को गटर के सुअर की तरह दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है, और इसके बाद मॉस्को की हत्या हो गई। जॉनसन नीले मंडली के आए, लैंस पर हमला किया, लेकिन अंजलि देवी का दूध लैंस की माँ के दूध से ज्यादा असरदार लग रहा है, और इसी के साथ मिलके उन्होंने जॉनसन की भी हत्या कर दी। नीले मंडली वालों ने बहुत ही खतरनाक शुरुआत की थी, मगर वो ठंडे पड़ते जा रहे हैं। लाल मंडली वाले नीले मंडली वालों को गर्मी में ठंडी का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। चाओ ने कीड़े करने की कोशिश की, लेकिन अंजलि देवी ने उन्हें रस्सी से बांध कर रखा, लेकिन अफसोस पीछे हट चुके। जॉनसन ने अंजलि देवी पे हमला किया, वेक्साना भी उनके पीछे आ चुके हैं मारने के लिए, और ये वेक्साना का हमला लैंस पीछे से आ चुके हैं। उन्हें डर लग रहा है कि वो बिना दूध के कहीं कुपोषित ना हो जाए, और इसी के साथ लैंस ने एक जन की हत्या कर दी, लेकिन लैंस को स्टन किया और वेक्साना की कठपुतली उन्हें सता रही है, लेकिन लैंस पीछे नहीं हट रहे, वो जॉनसन का पीछा कर रहे हैं। लाल मंडली वाले पूरी तेजी से इनकी ओर बढ़ते हो।
लेकिन लैंस के पास अंजलि देवी का दूध नहीं था, इसीलिए वो पीछे हट गए और जॉनसन को चेज नहीं किए। लाल मंडली वालों को एलिस मिल चुकी है अकेले और उन्होंने उसे पेलने का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ा। लगता है जॉनसन को पेट्रोल के दाम बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा और वो बेरहमी से ड्राइविंग कर रहे। इसी के साथ जॉनसन ने वेक्साना को ठोका, लेकिन अंजलि देवी की ममता उन पे आ गई है और इसी के साथ नील मंडली वाले एक एक करके अंदर घुस घुस के मर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे लाल मंडली वालों ने किचन के सिंक के नीचे मॉर्टिन का स्प्रे मारा है और नील मंडली वाले कॉकरोचों की तरह इतर बितर अपनी गांड बचाते हुए भागने की कोशिश कर रहे हैं। लाल मंडली वाले एक एक करके इन कॉकरोचों को अपने पैरों से कुचलते जा रहे हैं और इसी के साथ वाइप आउट हो गया। IGN का दल भारत का सबसे जाना माना दल है और IGN को देखकर मुझे ऐसा लगता था जैसे रब ने बना दी जोड़ी, मगर आज उन्हें सबने बना दी घोड़ी। और ये नीले मंडली के जॉनसन की एक नाकामयाब कोशिश भगवान को चुराने की, अंजलि देवी का दूध लैंस के लिए जैसे अमृत हो गया है और इसके साथ उन्होंने लॉर्ड ले लिया। दोस्तों, थोड़े ही दिनों में अंजलि देवी का दूध हर दुकान में थैले थैले में बिकेगा। नीले मंडली वालों को विश्वास नहीं हो रहा कि उनकी लग चुकी है, लेकिन वो आखिर तक प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। लाल मंडली वाले एकजुट होकर एक दूसरे की गांड बचाते हुए नीले मंडली वालों का एक एक करके चीरहरण कर रहे हैं। भगवान पधार चुके हैं और लैंस में वापस से अंजलि देवी की ममता आ चुकी है और लैंस टन हो गए, लेकिन उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लैंस 10 HP से बचते भाग चुके हैं। नीले मंडली वाले पूरे जोर लगाकर अपने बेस की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लाल मंडली वाले उन पर हावी हो रहे हैं। अंजलि देवी ने चाओ पर रस्ती की गांठ मारी, लेकिन अफसोस चाओ मरते मरते अपनी गांठ बचाते हुए पीछे हट चुके हैं। लाल मंडली वाले भी संभल संभल के खेलने की कोशिश कर रहे, पीछे हट रहे और कोई जल्दबाजी में गलत डिसीजन ना लेने की कोशिश कर रहे। नीले मंडली वाले दो हिस्सों में बट चुके हैं और लेन क्लियर करने की कोशिश कर रहे, लेकिन चाओ के गांड में कीड़े हुए वो अंदर जाके सबको स्टन करने की कोशिश किया, लेकिन अंजला देवी ने उन्हें रस्सी में बांध कर स्टन कर दिया। लेकिन हम लोग ये क्या देख रहे हैं, लैंस अंजलि देवी की ममता के साथ घुस चुके टावर के अंदर और टावर लॉक करके लेने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के साथ लाल मंडली वालों ने दिखा दिया कि अंजलि देवी का दूध उन्हें कभी कुपोषित नहीं कर सकता। लाल मंडली वालों को मेरी लाख लाख बधाइयाँ ये मैच जीतने के लिए। बहुत ही अच्छा घमासान युद्ध किया दोनों मंडली वालों ने और लाल मंडली की तरफ से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पद हिजड़ा लैंस लेके गए और नीले मंडली की तरफ से नकली MVP जॉनसन को। मेरी कमेंट्री अभी समाप्त होती है दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए।